भैरव बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। राम वासुदेव बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। सबको मेरा नमस्कार, मैं हूँ सुषमा गुसाई और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और जैसे कि आपको मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि जिस पे भैरव बाबा प्रकट होंगे और महाकाली माता प्रकट होंगी, वो हरिद्वार स्नान करने, गंगा स्नान के लिए जाएंगे और सुबह ही यहाँ से भैरव बाबा और महाकाली माता अपने स्नान के लिए निकले हैं। और अब शाम का टाइम है और सभी गांव वालों को सूचना मिल गई है कि वो वहां से यहां गांव में पहुंचने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए हम रोड पे जा रहे हैं और वहां पे सभी गांव वाले उनका स्वागत करेंगे और भैरव बाबा और महाकाली माता का स्वागत करने के लिए सभी तैयार हो चुके हैं और सभी महिलाएं गांव में तैयार हो चुकी हैं। और आप हमारे साथ बने रहिए, आपको दिखाते हैं कि किस तरह उनका स्वागत हुआ। और देखते रहिए सभी, और वहां पे तब तक खाना बन रहा है गाँव में, वहाँ पर खाना बनाने की तैयारी हो रखी है। और फिर अभी रात को जागरण है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे गांव में किस तरह से यहां जागरण होता है, भैरव बाबा के जागरण लगते हैं। तब तक बाय। तुम्हार ब्याह जा रहे साबुन दी इन बोलो तुम तुम्हार ब्याल जा रहा था पर मुंह फोन मिली कौन आज तुम्हार म्यादा गुड़ सह के भी नहीं सवर पर मुंह मैं बहुत नाराज हूँ इनसे क्योंकि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। कल इन्होंने साड़ियाँ नहीं पहनी और हमने हम तो भारतीय नारी की तरह बने हुए थे। ओए कन कन कैसे कैसे डांस किए और बाकी लोग यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। और गप्पे कितने गप्पे लगाए आपने? वो सारे गप्पे लगा दिए। अच्छा, वो सारे गप्पे लगा दिए, बहुत अच्छा। ये फड़ू तो फोन हटा जरा। ये देखो लोग जगह जगह पे बैठे हुए हैं, गांव में कितनी भीड़ हो रखी है देखो। चलो आगे, हरिद्वार वाले आ गए हैं और अब हम उनके स्वागत में जा रहे हैं। सब उनके स्वागत में आ जाओ। सुरीला मैडम जल्दी आओ। ये अर्चना, और ये सबके सब अब ऊपर जा रहे हैं रोड पे और भैरव बाबा नहा के आ रखे हैं, गंगा स्नान किए हुए। और अब हम सभी जा रहे हैं और यहाँ पंडाल लगा हुआ है, भैरव देवता मंदिर यहाँ पे है। आओ आओ भाई, बाघ भगाने में हमने साथ यहीं पे वीडियो बनाई थी। अच्छा, सभी ने बाघ को भगाया एक साथ मिलके और फिर आज पूजा पाजन भी सब एक साथ। ये सबको बुलाने का सिग्नल है। महिला मंगल दल की अध्यक्ष मेले से पहुंच चुकी है। ये तो बजाएगी सिग्नल, महिला मंगल दल के अध्यक्ष ने सिग्नल दे दिया। और यहाँ पे रात को जागरण हुआ था यहाँ पे, तो क्यों रही हो तुम लोग? तो बुलाने यार सब देखे हाँ, सब देखना, शेयर करना अपने गांव के चैनल को और हमेशा के लिए
हाँ कुछ बोलना चाहते हैं आप? कितने साल में यहाँ पे भैरव बाबा का पूजन हो रहा है? कितना साल हम होना चाहे कितना साल होना तुम्हारे पहलवार देखना कि 40 साल में कितना मतलब पहलवार आया सो तुम्हें कि दूसर बार है? दूसर बार पहलवार भी इन्नी हुआ है? इन्नी हुआ है पहलवार भी। पहलवार भी इन्नी हुआ है? ओ बहुत बढ़िया। और इतनी भीड़ है? इतनी भीड़ था पहलवार। अच्छा इतनी भीड़ था पहलवार राहुल चेंज ही राहुल बाग बाग पहले पिछली बार जब 40 साल पहले यहाँ पे भैरव बाबा का पूजन हुआ था तो यहाँ पे बाघ का आतंक नहीं था ऐसे, और इस बार तो बाघ का आतंक भी है, फिर भी भक्त जन तो सभी पहुँचे हुए हैं और सब पे भैरव बाबा की कृपा बनी रहे। और ये मंदिर, और आप कुछ बोलना चाहते हैं मैडम जी? आपने तो पहली बार देखा होगा। पहली बार दो तीन बार आ चुके हैं, दो दिन देख के हमको भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है भैरव बाबा के पूजा में तो पहली बार आ रखे हैं। पहली बार आ रखे हैं, मैंने भी पहली बार देखा कि इस तरह से भैरव बाबा का पूजा होता है। सभी गांव वाले बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ गांव में बहुत सारे लोग हैं, एकजुट हो रखे हैं। ठीक 40 साल बाद कभी कभी बहुत दिनों में ऐसे मौका मिलता है, ये तो बहुत सालों में। और ये गाड़ी आ चुकी है, ना ओनी है यहाँ। चलो देखिए यूट्यूब चैनल क्या बोला ना क्या कुछ बोलो बोलो ना क्या हुआ सच तैयार मला यूट्यूब चैनल सुषमा व्लॉग्स उत्तराखंड। हाँ यूट्यूब चैनल है मेरा, और उसको देखिए, और पूरे गांव की जानकारी आपको मेरे चैनल के द्वारा मिलेगी। जो यहाँ कुछ दिन पहले बाघ का आतंक भी हुआ था वो भी, उसकी वीडियो भी मैंने पूरी शेयर की हुई है। और आप लोगों को जो भी जितने भी हमारे गांव के लोग हैं ये सभी हमारे गांव के हैं, और इन सबको ये तो बहुत दिनों में यहाँ दिनों में क्या सालों में पहुँच रहे हैं यहाँ, क्योंकि ये प्लान कर चुके थे लेकिन भैरव देवता की कृपा, और आज ये फिर लौट आए अपने भैरव बाबा के स्थान पे और पूजा करने के लिए। जो जहाँ रहेगा चाहे देश विदेश में कहीं भी रहे, लेकिन ये अपने स्थान पर अपने भैरव बाबा के स्थान पर हर समय पहुँचे और सभी पर भैरव बाबा की कृपा बनी रहे। तो देखिए ये सब बाहर से आए हुए हैं, ले स्टाइल में अगर चलो इनसे पूछते हैं कि यहाँ भैरव बाबा का जो पूजा होती है और महाकाली की पूजा होती है तो उसमें शुरू से क्या क्या मतलब किस तरह से पूजा की जाती है, और इतने सालों बाद 40 साल हो गए, 40 सालों बाद अगर ये पूजा हो रही है तो किस पे नया देवता आया, और नया प्रकट किस पे हुए भैरव बाबा, और महाकाली किस पे प्रकट हुई, और ये यहाँ पे लो कौन बोलेगा? पहले बोल मेरे ससुर मैं बड़ा ससुर में चाहे। अच्छा आरा मैं यार भतीज पर आ रहा। अच्छा हमारे साल बाद ना मैं ले रहा हूँ। हाँ जी साल होगी यार 40-42 साल होगी। 40-42 सालों में पूजा होने से 42 सालों में दो बार हो गई पूजा। अच्छा सब लोग भैर बैठे का, अरे हमारे कोई कोटदार बैठे की कोई दिल्ली बैठे की सब भैर बैठे सब लोग हम मिल रहे हो एक समय एकजुट तो बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। अच्छा लग रहा है हमें। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हरिद्वार जा रहे यार, हरिद्वार बेटा आना चाहिए यार, हम स्वागत करना लगो यहाँ अभी फिर आज जाकर लगे यार, आज फिर जाकर लगाने का कल भंडारा है, कल प्रभा भंडारा चल, और जरूर देखना वीडियो को भंडारा किस तरह से होता है, फिर जरूर जरूर लाइक गुड।
अच्छा और बच्चा मेरा लड़ी बार गुड़गांव अगर सबके अगर सबके सब आते तो अगर सबके सब आते तो कितनी भीड़ होती सबके सब आते तो ठीक ठीक थोड़ा असर तो वही गया बैर जाए ठीक ठीक गुड। देखिए यहाँ पे सभी पहुँच चुके हैं और अभी जो हरिद्वार से गंगा स्नान करके आ रखे हैं तो उनको उनके स्वागत में वहाँ से ढोल दमाऊ जो हमारे गढ़वाली बैंड बाजे होते हैं उसमें उसको लेके जाएंगे साथ में। हाँ और पीछे से नीचे से मेरे ससुर जी भी आ रहे हैं और ये मेरे ससुर जी। हाँ कमेंट भी कर सब्सक्राइब बोलो 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 सुषमा रावत सुषमा गोसाई सुषमा गोसाई ये लोग बना दे लाइक कर सब्सक्राइब करें। ठीक धन्यवाद तुमको बहुत 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 धन्यवाद। और देखो मौसम भी कितना सुहाना हुआ है अब बादल लगे हुए हैं और मौसम बहुत ठंडा ठंडा है और उत्तराखंड की देवभूमि उत्तराखंड की देवभूमि और यहाँ देखे कितना सुंदर मौसम हुआ है सुहाना सुहाना मौसम और ये पहाड़ और कितने अच्छे लग रहे हैं पहाड़ देखो और सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है देखो और कितने पहाड़ियों के बीच में यहाँ पे मैदान में बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा गाँव बहुत ही सुंदर जगह पे है ऐसे 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 करो सब काश यहाँ रोज इतनी भीड़ रहती हमें कितना अच्छा लगता है लेकिन अभी भी हम अपने या इनके साथ में यादें समेट रहे हैं और बाद में इनको बहुत मिस करेंगे बहुत याद करेंगे सभी को। जय भूमि में आकार उरूत कलाकार करिया उरूत शुभ दिन आज आकरिया उरूत आए ये करिया में हमारा बाबा ये करिया में हमारा बाबंद बहुत सुंदर उनका स्वास्थ्य थोड़ा डाउन हो रखा है नहीं तो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आप मैंने पहले भी वीडियो डाली थी उनकी बहुत सारी उनकी आवाज़ बहुत सुंदर है। शुभ दिन याद आकरिया उरूत कैसा लेवे आकरिया उरूत कैसा लेवे आकरिया उरूत आओ म्यारा बाबंदो करिया के द्वारे आओ म्यारा ककबरो करिया के द्वारे तुम्हारी भूमि मा करिया उरूता तुम्हारी भूमि मा करिया उरूता तुम्हारा अपना पाया सभी आ रे
आपरी भूमि मा रागिसा मंगाला आपरी भूमि मा रागिसा मंगाला दीप बाबू ठीक से नहीं जानो देखो रागिसा हमारी भूमि रागिसा करालिया है। देखो कितना सुंदर और कितनी अच्छी आवाज में इन्होंने मांगल लगाए, और मांगल दूसरी तरह से लगाते थे लेकिन इन्होंने इस ये इतने कलाकार हैं कि इन्होंने भैरव बाबा के पूजन में भी उनके उनका नाम लिया और सारे गांव वालों का नाम लिया। और आप देख चुके हैं कि ये कितने अच्छे कलाकार हैं, और अगर किसी को समझ में नहीं आता होगा तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि गढ़वाली सभी नहीं समझते हैं लेकिन हिंदी तो सभी समझते हैं। तो इन्होंने पूरे गांव का नाम लिया, जो गांव में आपको बताया मैंने कि वास्तिक होते हैं, गांव के प्रधान होते हैं, उनको भी शुभ मंगल गीत गाया इन्होंने। तो अभी और गाना चाहते हैं ताई जी, अभी उनकी इच्छा है कि अभी मैं और गाऊं। अब हम जा रहे हैं गंगा स्नान करके जो आए हैं। चलो 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 ये गंगा स्नान करके आ गए और अब हम उनके स्वागत में जा रहे हैं। अग्नि लो ले तो बोलो भैरव बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। राम वास्तविक बाबा की जय। भैरव बाबा की जय।